इस्तांबुल एयरपोर्ट से बाहर तो आ चुका यहाँ पे सोया हुआ था क्लाइंबर्स पे। आज हम जाने वाले हैं इस्तांबुल टर्की। फाइनली मैंने इससे कार्ड निकाला तो इस्तांबुल कार्ड यहाँ से ले लोगे तो फिर आप पूरे इस्तांबुल को आराम से घूम सकते हो। वही कुछ पहुँच चुका हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और आज हम जाने वाले हैं इस्तांबुल टर्की। और अभी आप देख सकते होंगे यहाँ अभी लगभग 1:37 हुए हैं। फ्लाइट है सुबह हमारी 6:30 की दिल्ली से इस्तांबुल की। अभी तो काफ़ी टाइम बचा है यार, काफ़ी भीड़ हो रही है आज एयरपोर्ट पे। मैं देख रहा हूँ कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही थी तो फाइनली यार ये वाली जगह मिली। रिलैक्स कर रहा हूँ, कॉफ़ी वगैरह पी, थोड़ी खाना वाना खाया। इसके अंदर है नेक पिलो। तो बेसिकली अभी क्योंकि सुबह 5:30 बोर्डिंग स्टार्ट होगी, वेट करना है घंटों तक का। सुनली सुबह हो चुकी है, अब 5:30 बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सामने फ्लाइट खड़ी है, अभी दिन निकल रहा है, कुछ ऐसा सा हिसाब है। फिलहाल के लिए एयरपोर्ट शांत हो गया, तब बहुत सारी फ्लाइट जा रही थी, बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। अब जा करके फ्लाइट सारी गई हैं, अब अपनी फ्लाइट जाएगी इस्तांबुल। यहाँ पे सोया हुआ था क्लाइनर्स पे तक, थोड़ी देर सो के उठा हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट किया। तो क्या ही आती है इतनी लाइट में, बस बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं थोड़ा कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आया, खा के आया डोसा, क्योंकि लगभग 7:30 की फ़्लाइट होने वाली है। बोर्डिंग का प्रोसेस बस स्टार्ट होने वाला है। सुबह सुबह ना काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है एयरपोर्ट, और स्पेशली जो रनवे वगैरह है मस्त लग रहा है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अंदर फ्लाइट में बोर्डिंग के टाइम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो भाई फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट पे। इमिग्रेशन हो गया, बैगेज बहुत देर हो गई थी, बैगेज में क्या हुआ बेल्ट चेंज हो गई, उन्होंने 10 बताया था, बाद में चेंज करके 24 कर दिए। तो फाइनली बैग पे आया मैं, बेल्ट पे बैग लिया अपना और यहाँ पे अब आपसे बात कर रहा हूँ। तो इमिग्रेशन काफ़ी अच्छा लगा, मुझे अच्छा ऑफिसर था यार, जो भी थे मतलब बड़े अच्छे बंदे, ने कुछ नहीं पूछा लिटरली, बस वीज़ा देखा, बोला आपका वीज़ा, मैंने कहा यहाँ पे स्टैंप लगाई, बोला जाइए। तो कुछ ऐसा सा यार, काफ़ी सही है यार वैसे स्क्वायर इस्तांबुल एयरपोर्ट, काफ़ी सही है। अभी मैं अंताल्या जाऊंगा कुछ दिनों में, तो तब इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो अब मैं दिखाता हूं आपको यहां से कैसे जाना है। तो बेसिकली यहां से दो तरीके हैं जाने के, एक तो बस और दूसरा है मेट्रो। मैं तस्कीम स्क्वायर जाऊंगा, तस्कीम मेट्रो स्टेशन, उसके बस पड़ती है आपको लगभग 500-700 रुपये का, इंडियन रुपीज़ में एटलीस्ट टिकट होगा बस का। मेट्रो से 150 रुपये में आप पहुँच जाओगे, कि आप टैक्सी भी कर सकते हो, 60 यूरो लेते हैं टैक्सी के, यानी कि 5,500 रुपये, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। हालांकि मर्सिडीज़ लेने आएगी आपको, ये चीज़ है टैक्सी, तो वो भी एक चीज़ है एक्सपीरियंस के लिए आप ले सकते हो। चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाना है मेट्रो में यहाँ से। वैसे तो इस्तांबुल में काफ़ी सही एयरपोर्ट का एग्जिट का सिस्टम बड़ा अजीब है, तो मैं आपको जहाँ से दिखाऊँगा वहीं से आपको जाना है, राइट। तो भाई कुछ ऐसे से नज़ारे हैं और ऐसा सही हिसाब है। तो यार यहाँ पे ना आप सिम कार्ड वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन एयरपोर्ट पे बहुत एक्सपेंसिव है, 40 US डॉलर्स के हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इससे बेटर ये है कि प्रोबेबली शहर में सिटी सेंटर में जाके सिम देने में फ़ायदा रहेगा थोड़ा, लेकिन सिम यहाँ पे इन जनरल एक्सपेंसिव ही है। सो भाई मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट से बाहर तो आ चुका हूँ, तो अंदर से बाहर आओगे कस्टम वस्टम वाला जो सीन है उसके बाई साइड से निकल के, किसी को रोकते हैं किसी को नहीं रोकते, ये चीज़ है। आज तो टर्किश लोगों को ही रोका इन्होंने, हमें तो नहीं रोका, तो ये सब आपको मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ ना आप अगर लेते हो सिम तो ये टर्क टेलीकॉम है और वोडाफोन है, और एक यहाँ पे टर्क सेल है। तो मुझे जो पता है वो ये कि टर्क सेल का नेटवर्क यहाँ पे अच्छा है, लेकिन इनके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसे कि आप देख सकते होंगे ये सामने है टर्क सेल, ये वोडाफोन और ये टर्क टेलीकॉम। तो ये जो टर्क सेल है ये यहाँ पे अच्छी कंपनी है, तो सही है इसके यार, लेकिन इन लोगों का क्या सीन है कि ये प्लान थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं देते, ये महीनों के लिए ही देते हैं, और वो है एक्सपेंसिव। मतलब जो भी इनके पास से आप प्लान लोगे वो आपको कम से कम 30-40 US डॉलर्स का पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पे 5 दिन के लिए आ रहे हो, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 1 महीने के लिए।
आपको अगर कम चाहिए तो यहाँ पे जो शॉप्स हैं इनमें से आप ले सकते हो, जैसे एयरपोर्ट वाईफाई रेंटल करके थोड़े टाइम के लिए आप इनसे भी ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा ये कि या तो आप अगर फिज़िकल सिम लेना है तो आप आई थिंक ग्रैंड बाज़ार में जाकर जो सिटी सेंटर है यहाँ पे इस्तानबुल का वहाँ से लो, वहाँ पे रेट कम मिलेंगे, या फिर आप ई सिम लेके आओ इंडिया से। मैं इस बार इंडिया से ई सिम लेके आया था ख़रीद के टर्की के लिए, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे एयरपोर्ट पर आया मैं इस्तानबुल, तो मेरा ई सिम एक्टिवेट हो गया। एम्बियंस है कमाल का, मतलब एटमोसफेयर है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मेट्रो के लिए ना यहाँ पर टर्की में बेसिकली आपको चलना काफ़ी पड़ता है भाई, इंडिया की तरह नहीं है यहाँ पे कि कनेक्ट कर रखी है। यहाँ पे लंदन वाला सिस्टम है मेट्रो का कि अलग अलग क्या बोलते हैं बाहर निकलो, बाहर निकल के फिर पकड़ो, फिर उसके बाद अगर आपको चेंज करनी है तो उसके लिए भी अगेन सेम प्रोसेस है कि आपको बाहर निकल निकल के लाइन चेंज करनी पड़ती है। यहाँ से आप कार भी रेंट कर सकते हो लेकिन ये सब एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। टैक्सी में आप बहुत तगड़ा स्कैम करते हैं इस्तानबुल एयरपोर्ट पर, तो उस चीज़ का ध्यान रख लेना। हाय हाय गाइस, सो यहाँ पे क्या सीन है कि या तो आप इससे जा सकते हो हेवीएस्ट बस से, या आप मेट्रो से जा सकते हो। सामने जो यू सिंबल लग रहा है ये मेट्रो का है, आपको बाहर निकल के इसको फॉलो करते जाना है, ये सीन है पूरा। तो या फिर आप ये हेवीएस्ट बस से जा सकते हो, उसमें नीचे बेसमेंट में सेकंड फ्लोर पे जाएगी है, वहाँ से भी आप जा सकते हो। तो ऐसी सी कहानी है यार यहाँ पर एयरपोर्ट की। अगर आप यहाँ से सेकंड फ्लोर पे जाना चाहते हो इस वाली बस से, तो डायरेक्ट ये बस जाएगी नीचे, जाएगी सेकंड फ्लोर पे लेके -2 पे, और वहाँ से बस मिलेगी आपको डायरेक्ट यहाँ भी जाना है उसके लिए, वरना आप फिर मेट्रो से भी जा सकते हो, जो कि जिससे मैं जाने वाला हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेट्रो से कैसे जाना है। तो हम सामने से एग्ज़िट लेंगे पहले। सो भाई आप देख सकते होंगे यू सिंबल को फॉलो कर रहे हैं और ये हमारे एयरपोर्ट से। तो भाई ऐसा सा एनवायरनमेंट है यहाँ इस्तानबुल एयरपोर्ट का, और वो आप देख सकते होंगे सामने ही दिखा रखा है। तो यू को फॉलो करते जाना है बस, और आप मेट्रो स्टेशन पे पहुँच जाओगे। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ, तो चलो चलते हैं यार, मेरे भी बहुत सामान है, मैं हर चीज़ नहीं बता सकता। तो ये लड़के हैं तीन भाई, ये मिले हैं तो इनको फॉलो करते हैं। ये भाई भी लग रहा है मेट्रो स्टेशन ही जा रहे हैं, टर्किश हैं, कह रहे हैं इंग्लिश नहीं आती हमें, पर बंदे बड़े हेल्पफुल हैं बेचारे। यू व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हर्षद। माय नेम इज दुराक। दुराक एंड योर हेलो। सो भाई एक चीज़ है यहाँ पे कि अगर आपको मेट्रो पकड़नी है चलना काफ़ी पड़ेगा, और यहाँ पर ट्रॉली मिलती नहीं है, ट्रॉली यहाँ पर बिल्कुल भी फ्री नहीं है, और जो चीज़ आपको देनी पड़ेगी उसके लिए वो आपको होगी नहीं उस टाइम, क्योंकि पेमेंट वगैरह का सिस्टम अलग है यहाँ पे ट्रॉली का। तो ये बड़े प्रॉब्लम है कि बैग उठा के आपको काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा, तो अगर आप उठा के चल सकते हो तो ही आना मेट्रो से, ये चीज़ है। मुझे पता था लेकिन मैं फिर भी आ गया। सो लेट्स गो। तो भाई फाइनली आपको इतना लंबा चलने के बाद यहाँ पर आपको लिफ्ट लेनी पड़ेगी ऐसी सी। अच्छा हुए लोग मुझे मिल गए, वरना मैं अकेला ढूंढता रहता भाई। काफ़ी लंबी वॉक है यहाँ पर, बेसिकली ये सीन है। अच्छा है वैसे, लेकिन यार लंबी वॉक है। सो भाई मैंने इस्तानबुल कार्ड यहाँ से फाइनली परचेज कर लिया है, ये वाला जो कि 70 टर्किश लीरा का था, मैंने 200 टर्किश लीरा डाले तो 130 मुझे उसमें बैलेंस मिल गया, 70 टर्किश लीरा कार्ड के कट गए। अब देख सकते होंगे कुछ ऐसी सी कहानी है भाई, यहाँ पे मशीन है, एक मशीन काम नहीं कर रही थी, फिर फाइनली मैंने इससे कार्ड निकाला। तो यहाँ पे आके आप कार्ड ले लेना डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके, उसकी मैं एक वीडियो डाल दूँगा, ऐड कर दूँगा, और फिर उसके बाद वहाँ से मेट्रो की एंट्री है। तो अब चलते हैं मेट्रो में और आगे चलते हैं, राइट। सो लेट्स गो। बाकी यार यहाँ पर एरिया काफ़ी अच्छा है, और एक चीज़ हो रहा है, आपको ना गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना होगा, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ ना किसी को इंग्लिश नहीं आती भाई, टर्किश लोग इंग्लिश नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं बोलते ये। तो चलो चलते हैं यार मेट्रो में, पहले ही देर हो रही है काफ़ी। A few moments later. तो यार एक बात तो है, आपको काफ़ी लंबी वॉक करनी पड़ेगी, और मेरा तो देखो ये बैग था भाई उठा के मैं तो यहाँ तक लाया हूँ, मुझे ये बताएं, राइट। तो ये चीज़ है मेट्रो में आने में, लेकिन सही है, मेट्रो में काफ़ी सही है। आप एक बार इस्तानबुल कार्ड यहाँ से ले लोगे तो फिर आप पूरे इस्तानबुल को आराम से घूम सकते हो। ब्लू बस को, वो जो छोटे वाली ब्लू टैक्सी होती हैं, और इन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी बस वस में, ट्रैम में, मेट्रो में सब जगह चलता है। तो मेट्रो आएगी यार, चलते हैं फटाफट यहाँ से। ओके सो लेट्स।
तो गाइस फाइनली यार यहाँ पे आ गया मैं होटल में। ओ माय गॉड भाई थक गया मैं भाई। इस्तांबुल में बहुत मुश्किल है भाई यहाँ टर्की में। एक तो कोई इंग्लिश नहीं समझता, लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप ट्रांसलेटर यूज़ करो, बड़ी प्रॉब्लम है भाई। मेरे साथ आज बहुत बुरा काम हुआ। मैं आज घूमता रहा मेट्रो में घूमता रहा। एक तो मैं फाइनली मेट्रो से आने के बाद ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप पहले दिन आओगे यहाँ पे इस्तांबुल में तो पहले दिन मेट्रो यूज़ मत करना। अगर स्पेशली आपके पास ऐसा बैग है, ये डफल वाले बैग जो कंधे पे टांग के लाने पड़ते हैं, जैसे मेरे पास ये कंधे पे टांग के लाने वाला है, तो इसको यूज़ मत करना भाई मेट्रो को, आप बहुत थक जाओगे। क्योंकि यहाँ की मेट्रो इंडिया की तरह नहीं है, इंडिया में फिर भी कम चलना पड़ता है, यहाँ भाई बहुत चलना पड़ता है, कई किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको लाइन चेंज करने के लिए। और भाई भागते रहो भागते रहो भागते रहो, यहाँ चढ़ नीचे जाओ ऊपर जाओ, भाई कसम से इतना भारी बैग लेके ना बहुत मुश्किल है, आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, कंधे दुखने लगेंगे। मेरे साथ आज यही हुआ। और फिर आदमी ना एक तो वैसे ही थका हुआ होता है फ्लाइट में, इतनी लंबी फ्लाइट लेके आता है, 7-7.5 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली से इस्तांबुल की, और फिर भाई ये सब सीन जो होते हैं। तो मैं आप सभी को ये रिकमेंड करूँगा, अवॉइड इट। तो इसके बाद भाई नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि मैं कहूँगा कि आप ना मेट्रो तभी लेना जब आप बैग कोई ऐसा हो जो ट्रॉली टाइप में हो जिसको आप चला सको, तब तो मेट्रो लेना। अदरवाइज अगर आप पे भी इस तरीके का बैग है तो भाई मेट्रो अवॉइड करना, या मैं तो कहूँगा पहले दिन तो अवॉइड करना, उसके बाद यूज़ कर लेना। जब आप आराम से घूम रहे हो एक बार आ गए तब मेट्रो यूज़ करना बढ़िया है, लेकिन पहले दिन मेरे हिसाब से आपको बस से आना चाहिए। बस सीधा आपको अपने होटल के आसपास कहीं उतारे, तस्कीम स्क्वायर वगैरह पे उतारेगी या सुल्तान अहमद, जहाँ भी आप रुकोगे, और वहाँ से फिर आप अपना बैग उठा के अपने होटल तक चले जाओ, वो बेस्ट है। मैं आज किसी तरह पहुँचा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बुरी तरह थक चुका था, खाना वाना भी मैं सुबह ही खा के चला था दिल्ली से। और भाई आने के बाद बड़ी मुश्किल से, एक लड़की थी टूरिस्ट थी, वो दूसरी फॉरेन कंट्री की थी, उस बिचारी ने खुद अपने फ़ोन पे जब मेरी बात सुनी तो उसने, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि वो टर्किश नहीं है, वो देखने भी नहीं के जैसी थी, तो उस बंदी ने बोला मैं भी टूरिस्ट हूँ, बाद में बताया मुझे, और भाई वो मुझे गूगल मैप लगा के घर यहाँ होटल पे छोड़ के गई। बड़ा अच्छा लगा बंदी ने भाई देख के कि इतना थका पड़ा है, उसने मेरा बैग तक में हेल्प करी। शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, आई वॉज इम्प्रेस। यार ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब सोचो आप टूरिस्ट हो किसी देश में जा रहे हो, वहाँ कोई और टूरिस्ट है, आप उसकी मदद कर रहे हो। बड़ा अच्छा लगा है देख के कि इतने अच्छे लोग भी हैं।